उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में एक पीड़ित ने केमरी पुलिस की शिकायत मुख्यमंत्री से की है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी और दो लड़कियां 40 दिन से लापता हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, बच्चों को नहीं तलाश रही, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कई बार उच्च अधिकारियों से भी की है, परंतु अधिकारियों ने भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की और मात्र लापता परिजन की NCR दर्ज कर खानापूर्ति कर दी। पीड़ित ने थक हार कर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कार्यवाही की गुहार लगाई है। दरअसल पूरी घटना केमरी क्षेत्र की है, जहां भवरी गांव से जुड़ी है। 10 मार्च 2018 को पीड़ित राकेश कुमार की 35 वर्षीय पत्नी सुमनवती अपनी दो बेटियां 12 वर्षीय कशिश और 14 वर्षीय साधना के साथ राशन लेने गांव गई थी। उसके बाद से वो लापता हो गई। पीड़ित ने बीवी और बच्चों को काफी तलाशा, परंतु वो नहीं मिली। पीड़ित केमरी थाने पहुंचा, घटना बताई। पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए सिर्फ NCR दर्ज कर पीड़ित को आश्वासन देकर टाल दिया। रामपुर यूपी से रेखा रानी, आजाद टीवी न्यूज। तो आपके दो बच्चे और पत्नी गायब हो गए, क्या मामला, पूरा मामला बताइए। सर मैं तो घर पे नहीं था सर, बिलास रहते थे किराए पर, बच्चे आए थे राशन लेने घर पे गाँव, तो बिलास में नहीं पहुँचे सर। और फिर मैंने फ़ोन किया मकान मालिक को, बोले वो तो आए नहीं है। उसके बाद घर पे मैंने फ़ोन करा तो घर पे भी नहीं, पिताजी बोले हाँ बस 2 बजे चली गई। उसके बाद मैंने पूछा था, फिर 17 तारीख को कॉल आई थी, बोला कोई नहीं, फिर तब से चौक जा रहे हैं बच्चे का। तो थाने में सूचना दे दी आपने? थाने में सूचना दी हमने 19 तारीख को, रिपोर्ट दर्ज हो गई। हाँ, NCR कर दी। तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिली? कोई